अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सर्दियों के बेहतरीन से सौगात अंडों का हलवा, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत शानदार बन जाता है। तो चलिए इस मज़ेदार से अंडों के हलवे को बनाना स्टार्ट करते हैं। अंडों का हलवा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिया है बटर, या आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी, और इसको हम मेल्ट कर लेंगे लो फ्लेम पर। बिल्कुल मेल्ट किया हुआ हमें चाहिए, तो मेल्ट कर लेते हैं इसको। और यहाँ पर एक बाउल के अंदर मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे, ये आप देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर 1 अदद बाउल लिया है, जिसको मैंने बटर से बहुत अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया है। और साथ ही हम गार्निशिंग के लिए पिस्ता और बादाम लेंगे, जो कि बारीक कटे हुए हैं, वो इस ग्रीस किए हुए बाउल के अंदर डाल देंगे, ताकि हम इसके अंदर जब गरम गरम अंडे का हलवा निकालेंगे या पलटेंगे तो ये पिस्ता और बादाम ऊपर गार्निशिंग में बहुत ही अच्छे लगेंगे, टेस्ट में भी बहुत अच्छे लगते हैं। साथ ही यहाँ पर जो अंडे मैंने लिए थे, अब उसके अंदर मैं डालूँगी चीनी। तो यहाँ पर चीनी जो है वो अंडों की क्वांटिटी से ज़्यादा ही डलती है, तो तकरीबन मैंने यहाँ पर 7 टेबल स्पून के करीब चीनी ली है, जो कि मैंने इसमें डाली है। और साथ ही इसमें मेल्ट किया हुआ बटर जो है आप देख सकते हैं, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। बटर डालने के बाद जो है आप इसको बहुत अच्छी तरीके से बीट करेंगे, वक्फे वक्फे से बीट करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको बीट कर लेना है, इतना कि चीनी का दाना जो है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए अंडों के अंदर। हमने इसको बार बार बीट कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर लिया है एक नॉन स्टिक पैन, जिसे मैंने ऑलरेडी गर्म कर लिया है, कोई ऑयल वगैरह इसमें नहीं डाला है, बल्कि बीट किए हुए जो अंडे थे हमारे, इसमें ऑलरेडी इतना बटर है कि हमें कुछ और डालने की ज़रूरत ही नहीं। तो हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे और चलाते रहेंगे, मुसलसल हमने इसको चलाते रहना है, और चलाते हुए ही लो फ्लेम पर पकाना है। कुछ देर में आप देखेंगे कि बिल्कुल गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, देखें इस तरीके से। और साथ ही हमने इसको चलाते हुए पकाना है। अंडों का हलवा जो है नॉन स्टिक पैन में ही बेहतरीन बनकर तैयार होता है, अदरवाइज़ ये दूसरे बर्तन वगैरह में जो है तले में लग जाता है या जल जाता है और सही तरह भुनाई नहीं हो पाता। और दूसरी बात ये कि इसमें हमेशा जो है चीनी ज़्यादा क्वान्टिटी में ही डाली जाती है, कम क्वान्टिटी में नहीं डाली जाती, वरना वो सही तरह जो है अंडे का हलवा नहीं बन पाता। तो ज़्यादा क्वांटिटी में ही चीनी डालनी चाहिए हमेशा इसमें। पिस्ते बादाम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जितना डालना चाहें इस वक्त इसमें डाल सकते हैं। अभी भी हम इसको चलाते हुए इसकी भुनाई करेंगे, इसमें टाइम तो लगता है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं ये शानदार सा अंडे का मेसू जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। इसे बनाकर सर्दियों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आने वाला है ये मज़ेदार सा अंडे का हलवा। तो अभी भी हमने इसको लो फ्लेम पर इसी तरीके से चलाते हुए भूनना है। आप देख सकते हैं इसने बटर जो है कितना ज़्यादा रिलीज़ कर दिया है, यानी कि ये थोड़ा थोड़ा जो है भुनाई पर आ रहा है। अभी भी इसे मज़ीद भुनाई करेंगे, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता उस वक्त तक हमने इसको भुनाई करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने बिल्कुल कलर चेंज कर लिया है, यानी कि हमारा अंडों का हलवा शानदार सा बनकर तैयार हो चुका है। फ्लेम को मैं बिल्कुल बंद कर दूंगी और इसे एक साइड पर जमा कर लूँगी, ताकि ये जो एक्स्ट्रा बटर है वो इसमें से और निकल जाए, रिलीज़ हो जाए। और इसको गरम गरम ही हम जो है ग्रीस किए हुए कंटेनर में, जिसमें हमने ड्राई फ्रूट भी डाला हुआ है, गरम गरम हलवा हम उसी में निकाल लेंगे। और अब इसको गरम गरम को ही चमचे की मदद से बिल्कुल सेट कर देंगे इसके अंदर, इस तरीके से सेट कर लेना है इसे। और कुछ देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कंटेनर से निकाल लिया है। मज़ेदार सा अंडों का हलवा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। अगर ये मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।